Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jai Vi. Jai Vi. So, one more verse to go. To ek aur gatha dekhni baki hai. And then we'll have discussion. You'll have discussion groups. Aur fir aap gutton mein jayenge aur charcha karenge. And then after that, we can do some finishing off. और उसके बाद हम आखिरी का मतलब समाप्ति का कार्यक्रम कर सकते हैं। So in the discussion you can be looking at anything you want to discuss with me or hear me say more about. तो जब गुट चर्चा में आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ भी चर्चा आप कर सकते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा क्या सुनना चाहते हैं या क्या चाहते हैं कि मैं किस विषय में बात करूँ। So this verse is divided into two. तो ये जो गाथा है ये दो हिस्सों में बटी हुई है। I will learn to keep all these practices untainted by thoughts of the eight worldly concerns. तो इन सभी पर कभी भी आठ सांसारिक चिंताओं के विचारों की परत न चढ़े। मैं सभी चीजों को भ्रम समझूं और बिना किसी आसक्ति के सभी बंधनों से विमुक्ति पाऊं। Oh, you read the whole thing. Yes, because that was like phrases rearranged. Oh, I see. So I didn't know where to stop. Okay. In English, it's divided into two sentences. तो अंग्रेजी में जो है उसको दो वाक्यों में बांटा गया है. So the first one is, I've learned to keep all these practices untainted by thoughts of the eight worldly concerns. तो पहला हिस्सा ये है कि आठ जो सांसारिक चिंताएं हैं उनके विचारों से मैं अपने सभी विचारों को मुक्त रखूंगा। So, eight worldly concerns, eight loka dhamma. तो आठ सांसारिक चिंताएं यानी आठ लोक धम्म कौन से हैं? वाह वाह फैंटास्टिक बहुत अच्छे यू एट लीस्ट नो द यू नो द लिस्ट तो कम से कम सूची तो आपको पता है। Whether you know them in your experience, let's see. तो अनुभव में आपको अपने पता है या नहीं देखते हैं। So when it says, I will learn to keep all these practices untainted by thoughts of the eight worldly concerns, how might the eight worldly concerns taint these practices? तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे जो सारे अभ्यास हैं, इनको मैं आठ सांसारिक चिंताओं से दागदार नहीं होने दूंगा तो ये आठ लोकधम या ये आठ सांसारिक बातें जो है इनको किस प्रकार से दागदार कर सकती है या इसको खराब कर सकती है यू नो फॉर इंस्टेंस दिस मॉर्निंग व्हाट वी वर डीलिंग विद टोंगलेन वी वर डीलिंग विद गिविंग एंड टेकिंग तो उदाहरण के तौर पे सवेरे हम टोंगलेन का अभ्यास देख रहे थे देना और लेना offering all happiness and help to your mothers तो आप सभी प्रकार की खुशी और मदद प्रस्तुत कर रहे अपनी माताओं को and taking upon yourself all their hurt and suffering और उनका जो भी दुख है उनका जो भी तकलीफ है पीड़ा है वो आप अपने ऊपर ले रहे हैं so how might the eight worldly concerns taint that तो ये जो आपकी आठ सांसारिक चिंता है या आठ लोक धम्म है उसको किस प्रकार से इस अभ्यास को आपके खराब कर सकते हैं या उसमें बाधा पैदा कर सकते हैं You need to know because otherwise you might do it. तो पता होना चाहिए अगर नहीं पता होगा तो आप वैसा कर दोगे खराब कर दोगे उनको So what is it? Praise, blame, yes. Gain, loss, pleasure, pain, fame, infamy. No, yeah, fame, infamy. So how might those taint this? तो ये आठ लोक धम्म इन अभ्यासों को कैसे खराब कर सकते हैं? If we get affected by them, then it tells us how are we, how conditioned are we, and how attached are we to the world. Yes, but it's
what the teaching is saying is that you're doing these practices, but you're doing it in a way that is contaminated by the worldly winds. So how might that happen? तो इसमें ऐसा कहा गया है कि आप ये अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ये जो आठ लोक धम्म हैं, इसकी परत भी चढ़ी हुई है, तो ये किस प्रकार से हो सकता है? How might pleasure pain affect it? तो सुख या दुख उन अभ्यासों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? दोनों ही अवस्था में हमारा जो आर है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो जो दोनों ये जो आठ लोग में जो है वो सभी के सभी चाहे वो निंदा हो चाहे वो सुख हो अगर एक साइड से देखें तो वो हमारा जो आय है मतलब दूसरा अटैचमेंट है उसको और पक्का करता है दोनों ही इसमें और जो अनित्यता है उसको हम देख ही नहीं पाते. So whatever practices we are doing and all these eight worldly winds, they strengthen our eye and we are not able to see our attachment. Yes, of course that's true. Anityata, sorry. Yeah, but it doesn't really tell us how. You, let's just take pleasure pain. How can that contaminate your practice? तो हाँ वैसा होता है लेकिन किस प्रकार से वो आपके अभ्यास को खराब करता है या दूषित करता है ये हम देखने का प्रयास कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पे केवल हम सुख और दुख को ही देखेंगे तो किस प्रकार से वो आपके अभ्यास को दूषित कर रहा है. They disturb your mind, but I think it's a bit more direct than that. So I'll cut the long story short again. You're doing it in order to get pleasure. तो आप सुख पाने के लिए इनको कर रहे हैं. You're hoping for a better rebirth, maybe. Yeah? और हो सकता है कि आप अच्छा जन्म पाने की उम्मीद कर रहे हैं. It's what called traditionally tainted merit. और इसको एक प्रकार से मतलब दूषित पुण्य ऐसा कहा जाता है पारंपरिक रूप से. You're hoping that by doing this practice, you'll get some pleasurable vipaka. तो आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि इन सारे अभ्यास को करके आपको एक सुखदायी ऐसा विपाक मिले. You're hoping maybe that you'll become famous. या आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप प्रसिद्ध हो जाओगे. Oh, look how humble he is. तो देखो ये कितना विनम्र है. Look how generous he is. कि देखो कितना दानी है. Oh, he just puts himself down and other people up. वो हमेशा अपने को नीचा देखता है और दूसरों को ऊंचा स्थान देता है. So you become sort of well known for being the practitioner of these things. Yeah? और इन बातों का आप आचरण करते हैं इसके लिए लोग आपको जानने लगते हैं आपका नाम हो जाता है. But you'll be praised for it, yeah? और आपकी प्रशंसा भी होती है उसके लिए. And so on. और इसी तरह की बातें होती है. So the basic point is that your motivation is tainted by the worldly winds. तो बुनियादी बात इसमें ये है कि आपका जो उद्देश्य या आपकी जो प्रेरणा है वो दूषित हुई है इन आठ लोक धम्मों से या दुनियादारी के जो हवाएं उससे. This is said of all practices. Yeah? और ये सभी अभ्यासों के बारे में कहा जाता है. You're doing them for merely worldly ends. और आपके जो दुनिया में कुछ पाने का जो लक्ष्य होता है उसी के लिए आप इसको करते रहते हैं. Of course, we do that. Yeah? तो निश्चित ही हम करते हैं ऐसा. But in the case of these practices, when you do that, you're negating the practice. लेकिन इन अभ्यासों के संदर्भ में जब आप ऐसा करते हैं, तो फिर आप इन अभ्यासों को ही नकार देते हैं. So you can practice the Dhamma for the sake of escaping from pain. तो उदाहरण के तौर पे आप धम्म का आचरण करते हैं, लेकिन आप दुख से मुक्ति पाने के लिए धम्म का आचरण करते हैं. Your motive can be merely to get out of the dukkhati. तो आपका उद्देश्य या लक्ष्य केवल इतना हो सकता है कि आप दुग्गति से निकलना चाहते हैं अपने लिए खुद के लिए. तो वो कोई बुरा ऐसा उद्देश्य नहीं है. Pain is painful. तो क्योंकि दुखदाई होता है. And it's understandable you want to escape from it. और ये इस बात को समझा जा सकता है अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो. And
practicing the Dhamma will help you to get free from that. और अगर धम्म का आप आचरण करते हैं तो उससे दुख से मुक्त होने के लिए आपकी मदद होने वाली है. But that's not the real purpose. लेकिन वो हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है इन अभ्यासों को करने का. This comes up in connection with you know, the Buddhist movement in India, doesn't it? तो भारत का जो बौद्ध आंदोलन है उसके विषय में ये बात आती है उभर कर. Was Baba Saheb's conversion just about creating a better society? तो क्या बाबा साहब का धर्मांतरण केवल एक अच्छे या बेहतर समाज की निर्मिति के लिए था? It was about that. वो उसके लिए जरूर था. But it wasn't just about that. लेकिन yeah? सिर्फ उसी के लिए नहीं था. So I think a lot of people don't understand this. Yeah? और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं. It's very good because it will help to bring about a better society. वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो एक बेहतर समाज की निर्मिति के लिए मदद करने वाला है. But that's still a worldly aim in a sense. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो एक दुनिया मतलब दुनिया से संबंधित ही ऐसा एक लक्ष्य है, भौतिक ऐसा लक्ष्य. It's a good aim, but it's not the ultimate aim. तो ये अच्छा लक्ष्य है, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है. And I know that Baba Saheb was very aware of this. Yeah. और मुझे लगता है कि बाबा साहब इस विषय में काफी सजग थे, वो इस बात को जानते थे. And he said himself, I'm converting for reasons spiritual. और उन्होंने कहा था कि मैं आध्यात्मिक कारणों के कारण धर्मांतरण कर रहा हूँ. And I think by that he meant that this sort of ultimate aim. और मुझे लगता है कि जब वो ऐसा कह रहे थे उसका अर्थ था ये अंतिम लक्ष्य. So this very important distinction. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है. And it's sometimes made in terms of two kinds of merit. और इसमें कभी-कभी दो प्रकार के पुण्यों की बात की जाती है. Tainted merit or worldly merit. तो दूषित ऐसा पुण्य या भौतिक पुण्य इस दुनिया से संबंधित पुण्य. An ultimate merit. और अंतिम ऐसा पुण्य. That ultimate merit is aimed at Buddhahood. और वो अंतिम पुण्य है. वो जो है बुद्धत्व की दिशा में होता है. So this is what's being got at here. तो ये बात यहाँ पर बताई गई है. You can approach any Buddhist practice from two points of view. तो किसी का भी अगर आचरण है या अभ्यास है उसको आप दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं. So in the West, for instance, we often teach mindfulness of breathing, telling people it will deal with their stress. It'll help them be more relaxed, yeah? तो अक्सर पश्चिम के देशों में हम आनापानसती सिखाते और लोगों को ऐसा बताते कि आपकी मदद करेगा आपके तनाव से मुक्त होने के लिए, आपको सहज रहने के लिए. And we teach mindfulness for the same sort of reasons, yeah? और इन्हीं कारणों के लिए हम आनापानसती सिखाते हैं. For stress reduction. तो तनाव को कम करने के लिए. To get free from addictions. Yeah. या किसी प्रकार के आप आदि हैं नशा इत्यादि के तो उससे मुक्त होने के लिए. To escape from depression. और अगर निराशा में अगर आप डिप्रेशन में तो उससे बाहर निकलने के लिए. It works. और वो काम भी आता है. That's a good thing. और ये अच्छी बात है. It's not really what anapanasati is about. लेकिन anapanasati इसके लिए नहीं है. So in the West, the concerns are more personal psychological. तो पश्चिम में जो लोगों की चिंताएं हैं वो व्यक्तिगत हैं, मानसिक हैं. In India, they're more social. और भारत में लोगों की जो चिंता है वो ज्यादा सामाजिक है. And the Dhamma can help both of those. Yeah? और धम्म जो है दोनों ही चीजों की सहायता कर सकता है. That's not what the Dhamma is ultimately about. लेकिन फिर भी अंत में धम्म केवल उसी के लिए नहीं है. Of course, if you have a good mental state, it's easier to develop. तो निश्चित ही अगर आपकी मानसिक अवस्था अच्छी होती है तो विकास करना आसान होता है. If you have a good society, the basis of development are better. अगर आपका समाज अच्छा होता है तो विकास के लिए जिस बुनियाद की जरूरत होती है वो अच्छी होती है. But we need to be quite clear about our own motives. लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है उसके विषय में हमने काफी स्पष्ट रहना चाहिए. The truth is, our motives are probably mixed. तो सच्चाई तो यह है कि हमारा उद्देश्य जो है वो एक प्रकार से मिश्रित है. I'd certainly like to be much happier. मैं निश्चित ही ज्यादा सुखी होना चाहूंगा. And that is to some extent a motive for practice. और मेरे आचरण के पीछे कुछ हद तक ये भी मेरा उद्देश्य है ज्यादा सुखी होना. But actually, you're practicing for something much greater. लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उससे भी किसी
बड़ी चीज के लिए आप अभ्यास कर रहे हैं आचरण कर रहे हैं So I think it's a very useful distinction. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी ऐसा फर्क है And always useful to keep checking your own motives. और आपका अपना उद्देश्य क्या है इसको जांचते रहना हमेशा ही उपयोगी होता है You know, why do you want to be ordained? तो आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं Do you want to be ordained because then you'll be able to lead classes and everybody will look at you and think oh you're wonderful तो क्या आप दीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं कि फिर आप वर्ग का नेतृत्व कर सकेंगे और सब आपकी तरफ देखेंगे और बोलेंगे बाप रे कितना अच्छा कर रहे हैं Beware because they won't तो ध्यान रखिए क्योंकि लोग ऐसा नहीं कहते But you can be wanting the status I guess लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको मतलब प्रतिष्ठा पाने का लोभ हो and even ultimately you know when our order gets very big and it has a big influence and has many properties and so on और जैसे हमारा संघ बहुत बड़ा हो जाएगा उसका प्रभाव बहुत होगा उसकी संपत्ति जमीन जायदाद बहुत सारी होगी that will happen one day एक दिन ऐसा होगा and then people want to join because they'll be taking advantage of all that और तब लोग उससे जुड़ना चाहेंगे क्योंकि वो सब उससे लाभ लेना चाहेंगे it's said that so the emperor ashoka had to purge the order at his time तो ऐसा कहा गया है कि सम्राट अशोक को जो है उसके समय में संघ को जो है वो ये करना पड़ा था बांटना पड़ा था या रोकना पड़ा था Many monks were found to have the sacred thread under their robes तो बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणी को देखा गया कि वो उनके चिवर के नीचे वो उनका जनेऊ भी जो है पवित्र धागा वो पहनते थे भिक्षुणी नो नॉट भिक्षुणी भिक्षु I've seen it at Bodh Gaya तो बोधगया में मैंने उसे देखा है I've seen a monk sitting there and his robe slipped and there was the sacred thread तो मैंने देखा कि वो भिक्षु वहां पे बैठा था और उसका चीवर ऐसे फिसल गया और वो जो जनेऊ था वो उसने पहना हुआ था So people can even you know you can exploit good spiritual things if you like dhammic things for worldly purposes और जो अच्छी धार्मिक बातें जो है उसका भी लोग मतलब फायदा ले सकते हैं अपने भौतिक सुखों के लिए लाभों के So लिए you need to keep checking your own motives. तो आपको आपका क्या उद्देश्य है उसको जांचते रहने की जरूरत होती And as I've said, if you're honest, they will be mixed, yeah? और अगर आप अपने आप के साथ प्रामाणिक रहो तो आप देखोगे कि वो मिश्रित है आप लेकिन आपको हर वक्त अपनी गहराई में देखते रहने की जरूरत होती है and you have a great opportunity for that when in some ways you the sangha lets you down और कभी अगर किसी बात से आप संघ से निराश हो जाते हैं संघ आपको निराश कर देता है तो उसको देखने का आपको अवसर मिल जाता है you don't get what you hope to get तो जो पाने की आपको उम्मीद होती है वो आपको नहीं मिलता है you have to ask yourself, why am I here? और फिर तब आपको अपने आप से पूछना होता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ am I here for the Dhamma or am I here for a chair? तो यहाँ पर मैं धम्म के लिए हूँ या यहाँ पर मैं किसी कुर्सी के लिए हूँ remember the story yesterday तो कल की कहानी आपको याद होगी so a useful reminder तो बहुत ही उपयोगी ऐसी ये बात है स्मरण करने के And if you're doing practices that are all about selflessness the worldly winds are just going to destroy them तो अगर आपका सारा अभ्यास जो है वो स्वार्थ रहितता की ओर है तो ये जो लोकदम्भ है या सांसारिक जो बातें वो उसको नष्ट कर देगी Okay the second part is May I recognize all things as like illusions? और दूसरा हिस्सा उसका वो है कि सारी बातों को जो है मैं भ्रम की तरह देखूं। And without attachment, gain freedom from bondage. और बिना किसी आसक्ति के उन बंधनों से मैं विमुक्ति पाऊं। So may I recognize, that is, see what is really there? तो जो वहाँ पर है उसको मैं देखूं। All things as like illusions. कि सारी ही चीजें जिसको मैं देख रहा हूँ वो एक भ्रम की तरह हैं।
So it seems to be saying that all things are like illusions. तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें कहा गया है कि सभी जो चीजें हैं वो भ्रम की तरह हैं. मतलब क्या? तो मतलब क्या? In what sense are all things like illusions? Okay, start simply. What is an illusion? तो आसान जगह से शुरू करते हैं कि भ्रम क्या है? Think of an illusion. What's it like? किसी एक भ्रम के बारे में सोचिए और सोचिए कि वो कैसा है. Come on, it's a long time after lunch. You should be more awake. हम सपने में देखते हैं कि कोई चीजें ऐसे होने वाली हैं, ऐसे होने वाली हैं, ऐसे होने वाली हैं, लेकिन वो होती नहीं है. तो वो क्या होता है ना, भ्रम होता है कि ऐसा होगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं. तो हम क्या उसमें मतलब उसको ना होने वाली चीज को हम देखते हैं तो वो क्या. So like when we see things in dream and we think this is like this and this is going to happen also. Yeah, like a dream. That's good, good, yeah. Thoughts is also like this. Thoughts, yeah. But illusions are more something going on in the world, aren't they? No? Thoughts is not real. Thoughts are not real. Okay. Yeah. I wondered, yes, it's not a bad idea. That's an application of the same principle, but I want to know what an illusion is. Give me an example of an illusion as usually used. तो हमेशा इस्तेमाल होता है ऐसा उदाहरण भ्रम का. जैसे कि हारना या जीतना, ये भी भ्रम है. Like क्या victory or defeat, that is an illusion. Oh dear, you're all so dummy. Mirage, is it? Yes. Yeah, like a mirror. That's a good example. Well done. Yeah. You think there's water. तो आप सोचते हैं कि वहाँ पे वो पानी है. Have you seen this? Yeah. देखा है आपने वो रेगिस्तान में? Yes. क्या बोला था? मरीचिका. मराठी में मृगजड़ बोलते हैं उसको. So yes, so a mirage or fata morgana. It's something that seems to be there that isn't. Yeah. तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ वहाँ पे है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है. The word probably that this originally would have come from would have been Maya. तो जहाँ से ये शब्द आया, तो शायद मूल शब्द माया रहा होगा. And Maya is quite commonly used in Buddhist thought as a metaphor. तो एक रूपक के तौर पे माया को बहुत आम तरह से इस्तेमाल किया जाता है बौद्ध विचार पद्धति में. And it's often talked about as a magician's illusion. और अक्सर जादूगर जो जादू आपके सामने दिखाता है या जो भ्रम पैदा करता है उसके तरह वो होता है. You know the old tricks. तो जो जादू की पुरानी तरकीबें हैं वो सब आपको मालूम है. The magician has a top hat. Do they have this in India? तो भारत में होता है क्या ऐसा कि वो जादूगर जो होता है उसकी एक टोपी होती है जो ऊपर पहनते हैं. He takes out his pocket, his handkerchief from his top pocket. तो ऊपर की जेब में से वो अपनी रुमाल निकालता है. He puts it in the hat. और वो उसकी जो टोपी होती है हैट उसमें वो डाल देता है. In England he says abracadabra. और इंग्लैंड में वो abracadabra बोलता है. In India he says gully 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 something like that. और भारत में वो गली 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 ऐसे कुछ कहता है. What do you say in India? Chumantar. Chumantar. And out flies a dove. और वहाँ से कबूतर उड़ने लगता है. Or he puts his hand in and pulls a hair out by its ears. फिर अपना हाथ टोपी में डालता है और कान से पकड़कर एक खरगोश को बाहर निकालता है. And you're watching. और आप ऐसे ही देखते हैं. Ooh. Oh. Yes, you know this sort of thing. तो पता है ऐसा कुछ? Yeah. बोल
a magician ate a ball and took. He ate and he defecated him. Yeah. I think that probably will do, won't it? I was going to tell you about sawing the lady in half. Do you have that one? तो जैसे एक लड़की को भी वो आधे में काट देते हैं वो जादूगर देखा है वो जादू I've seen it done on the stage, yeah. तो मैंने उसको देखा है कि वो स्टेज में उन्होंने करके बताया है ऐसे मंच पर तो एक डिब्बा होता है and he has a big saw और बहुत लंबा उसके पास वो काटने का आरी होता है the lady lies in the box और वो लड़की जो है वो डिब्बे में लेट जाती है बहुत खूबसूरत सी और वो पूरा उसको आधे में काट देता है और वो ऐसे ही हंसती रहती है feet are going to, like that. और पैर भी ऐसे ऐसे हिलाते रहती है जैसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है moves the two parts of the box, the और डब्बे के वो फिर दोनों हिस्से जहाँ से आधा काटा होता है अलग अलग कर देता है वो still smiling, her feet are still... वो फिर भी हंसते रहती है पैर ऐसे ऐसे उसके होते रहते हैं and when you're watching, it really does look real. और जब आप उसको देख रहे होते हैं वो पूरी तरह से आपको सच्चा दिखाई देता है some of them are very, very clever indeed. और उनमें से कुछ जादूगर तो बहुत बहुत होशियार रहते हैं unless somebody explains it to you, you can't understand how it's done. और जब तक कोई आपको समझाता नहीं है आप समझ नहीं सकते कि वो जादू कैसे की गई है so this is a metaphor. तो ये एक रूपक है एक उदाहरण है it seems as if the lady has been cut in half. तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो महिला है उसको दो टुकड़ों में काटा गया है Seems as if the boy has been swallowed, et cetera, et cetera. तो लगता है कि वो जो गेंद है उसको निगल लिया गया है And so on. It really seems like that. और ऐसे मतलब लगता है कि वो सच में किया गया है या हुआ है But it's not like that. लेकिन वो वैसा नहीं होता So everything seems as if it's what? Illusion. Well, it seems as if it's permanent, doesn't it? तो हर चीज जो है ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि वो स्थाई है। It seems as if it has objective existence. और ऐसा लगता है कि जैसे उसका एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है। It seems as if it exists independently. और ऐसा लगता है कि वो मतलब स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व है, वो दूसरी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। But it's not like that. लेकिन ऐसा नहीं होता है। It does appear. वैसा लगता है दिखता है But it just appears independence on conditions, yeah? लेकिन वो जो भी उत्पन्न हुई है वो चीज वो दूसरी चीजों के आधार पर उत्पन्न हुई है उसके ऊपर निर्भर रहते हुए हुई it, it, it appears merely as a conditioned arising. और वो एक परिस्थितियों के आधार पर ही निर्भर हुई चीज होती है So the metaphor of an illusion helps us to understand that our ordinary experience isn't the way it seems to be. तो ये जो फिर भ्रम का उदाहरण है वो हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि हमारा सर्वसामान्य अनुभव जैसा हमें लगता है वैसा नहीं होता है There is an appearance. तो ये सब मतलब हमारे सामने दिखाई दे रहा है हमें प्रकट हो रहा है हमें प्रतीत हो रहा है You're not saying no there isn't there's nothing there. तो आप ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है That would be उच्छेदवाद. वो उच्छेदवाद होगा But you're not saying that it exists there independently, permanently. तो आप ऐसा कह रहे हैं कि वो मतलब हर चीज से स्वतंत्र और हमेशा के लिए ही स्थाई इस प्रकार से उसका अस्तित्व ऐसा आप नहीं कह रहे That would be शाश्वतवाद. और अगर वैसा आप कहते तो वो शाश्वतवाद हुआ So it's like dreams, it's like thoughts, they're just Come and they go. तो विचारों की तरह सपनों की तरह वो बस आते हैं और वो जाते हैं They don't leave any trace. और वो कोई भी अपना जो है अवशेष नहीं छोड़ते हैं So the text is saying we need to see everything like that. तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हर चीज को हमें उसी प्रकार से देखना है If we don't see things like that, it'll be more difficult to do the practice. तो अगर हम चीजों को उस प्रकार से देखते हैं तो फिर अभ्यास करना या आचरण करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा when we've exchanged self and other, we've not really exchanged anything.
तो जब फिर अगर हमने स्व को और दूसरे के स्व को अदल बदल भी दिया है तो भी हमने वास्तव में वैसा नहीं किया है because the self is an illusion. क्योंकि स्व जो है वो भ्रम है when we put ourselves low and others high we haven't really done anything तो जब हमने अपने आप को नीचे रखा है दूसरों को ऊपर का दर्जा दिया है तब भी हमने कुछ भी नहीं किया है just conditioned phenomena क्योंकि वो केवल एक संस्कारित प्रक्रिया है they're mentally constructed और उनकी मानसिक रूप से रचना की गई है just thoughts वो केवल विचार हैं so you see that the whole practice needs to be based in the blue sky तो फिर आप देखते हैं कि ये पूरा जो आपका अभ्यास है उसकी बुनियाद जो है वो नीले आकाश में होनी चाहिए So at the beginning I talked about two dimensions of bodhicitta practice तो शुरुआत में मैंने बोधिचित्त का जो अभ्यास है उसके दो पहलुओं के बारे में बात की है दो आयामों के विषय में I don't know whether you remember this I talked about extensive teachings And profound teachings. तो मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं मैंने मतलब गंभीर या गहरी शिक्षाएं या विस्तारित शिक्षाएं ये दो चीजों के बारे में बोला था. So everything we've looked at until these last two lines is extensive. तो ये जो अभी के दो पंक्तियां हमने देखी ये विस्तारित हैं. Now we're touching on the profound. और previous verses were extensive. Now we are touching. Yeah. Yeah. तो पहले के जो गाथाएं हमने देखी वो विस्तारित शिक्षाओं में से है अब हम जो स्पर्श कर रहे हैं वो गंभीर ऐसी शिक्षाएं Just the last two lines are about the profound practice. तो आखिरी की ये जो दो पंक्तियां है वो गंभीर अभ्यास के विषय में है Sometimes this is referred to in terms of the relative bodhicitta and the absolute bodhicitta aur kabhi kabhi iske vishay mein aisa kaha jata hai ki param bodhicitta aur sapeksh bodhicitta the relative bodhicitta is where you are trying to manifest the bodhicitta within the circumstances of life to sapeksh bodhicitta wo hota hai कि जीवन में जो भी आपको परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है उसमें आप बोधिचित्त को मतलब मूर्त स्वरूप देने का प्रयास कर रहे होते हैं या प्रकट लाने का प्रयास कर रहे होते हैं The absolute bodhicitta is where you are trying to realize the ultimate nature of things. और परम बोधिचित्त वहाँ पे होता है जहाँ पे आप वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप होता है उसका साक्षात अनुभव लेने का प्रयास कर रहे होते हैं या साक्षात्कार करने का प्रयास So really, absolute bodhicitta is identical with shunyata, etc., etc. तो परम बोधिचित्त मतलब शून्यता ऐसी ही बातें So it's always said that your bodhicitta practice should be in the context of shunyata. और ऐसा कहा जाता है कि आपका बोधिचित्त का जो भी अभ्यास है वो शून्यता के संदर्भ में होना चाहिए इन द प्रज्ञापारमिता टेक्स्ट दिस इज पुट वेरी पैराडॉक्सिकली और प्रज्ञापारमिता का जो सूत्र है बहुत ही विरोधाभास के साथ या विरोधी तरीके से उसको इसमें सामने रखा गया द बोधिसत्त्व ट्राइज टू सेव ऑल सेंटिएंट बीइंग्स इवन दो ही नोस देयर आर नो सेंटिएंट बीइंग्स टू सेव तो बोधिसत्त्व सभी सजीवों को बचाने का प्रयास करते रहता है भले ही उसको ये मालूम रहता है कि बचाने के लिए कोई सजीव है ही नहीं yeah? तो ये एकदम विपरीत बात हुई उल्टा मतलब देखा गया सुस्पष्टा गुड इट्स नॉट सुस्पष्टा इज इट सो यू कुड से दैट द स्ट्राइविंग टू सेव ऑल सेंटिएंट बीइंग्स इज द एक्सटेंसिव एक्टिविटी तो सभी सजीवों को बचाने का ये जो प्रयास है ये एक विस्तारित ऐसी कृति है the recognition that ultimately there's no such thing as being is the profound activity और इस बात को पहचानना कि अंत में ऐसे कोई सजीव है ही नहीं ये एक गंभीर और पक्की ऐसी कृति है so that from an ultimate point of view you cannot make any such distinctions aur agar antim drishtikon se dekha jaye to is prakar ka fark aap kar hi nahi sakte because those distinctions are made by the conceptual mind kyunki ye fark jo hai aapke
संकल्पनाओं को बनाने वाले मन ने निर्मित किए हैं। So if you go beyond that conceptual mind, no distinctions can be made. तो अगर उस संकल्पनाओं को बनाने वाले मन के परे आप चले जाते हैं, तो फिर कोई फर्क किए ही नहीं जा सकते। So the being is a thought. तो सजीव या सजीवों का होना ये केवल एक विचार मात्र है। Still looking puzzled. Quite right too. It needs a lot of thought. Yeah. इसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है। So. आप बोल दो इंग्लिश में नहीं काफी भावना है उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कुछ नहीं है जो हो रहा है मोर हिंदी यस द जिस्ट गिव मी द जिस्ट डार्लिंग सो व्हाट एवर हैपनिंग इज पीपल इज बीटिंग समवन एंड समवन इज they are hurting someone, the violence against, there is nothing now, no one is violence against the violence, nothing is, if everything is like that. So what is this? Because of everyone feel the pain there, and the things is there, so we are seeing the things, but there's no doubt the things is very, very high. Sure. Yeah. Very high and very in a deep level. Yeah. But so this here we are practicing in this way, and in the worldly things we are facing so many problems. Yeah, If we see in such a point of view. Yeah, but you're practicing extensively, aren't you? Yeah. As well as profoundly. Yeah. तो आप विस्तारित और गंभीर दोनों अभ्यास एक साथ ही कर रहे हैं ना। If you go to the extreme, you have Krishna तो अगर, in the Bhagavad Gita. Yeah? तो अगर बहुत ही अंतिम छोर का उदाहरण देखना चाहिए तो आपके पास भगवद गीता में कृष्ण है। You know, Arjun is reluctant to go fighting his own kin. तो आपको पता है कि अर्जुन जो है वो हिचकिचा रहा है कि उसके ही भाई बंधुओं से वो युद्ध कैसे करे। So Krishna says, "Don't worry, they're all an illusion." और कृष्ण कहते हैं कि कोई चिंता मत करो, वो सब भ्रम है। Nothing's happening. और कुछ नहीं होने वाला है उनको। That's not the Buddhist point of view. तो ये बौद्ध दृष्टिकोण नहीं है। From the immediate point of view, beings die. Yeah. तो तुरंत का आपका जो दृष्टिकोण है या जिस इस परिवेश में आप जी रहे हैं वहां पर जीवों की मृत्यु होती है। From the ultimate point of view, they neither do nor don't. और अंतिम दृष्टिकोण से अगर देखा जाता ना वो जीते हैं ना मरते हैं। समझ में आ रहा है? It's very hard to understand. It's hard to believe everything because he don't want to be fight against the things, na. And the Baba Sahib also be fight for his whole life for the human being. This the good situation. Yeah. And the untouchability they have. Yeah. But it's all a bit. But you're just saying the same thing. Yeah, same thing. So it's extensive. Your extensive activity is a response to suffering. Yeah. तो आपकी जो विस्तारित कृति होती है वो दुखों को दिया गया प्रतिसाद होती है। Yes, but at the same time you know that things from an ultimate point of view. लेकिन उसी वक्त जो अंतिम दृष्टिकोण होता है उससे भी आप चीजों को जानते समझते हैं। I think I'm only going to be able to leave this as a question for you. Yeah. तो मैं आपके लिए इसको एक सवाल के तौर पर ही छोड़ सकता हूँ। Because we'd have to study shunyata much more deeply. क्योंकि आपको शून्यता को और भी गहराई से पढ़ने की जरूरत है। But I'm just going to have to leave you with that puzzle. Yeah. और ये जो उलझन है
इसके साथ मुझे आपको छोड़ना होगा. But your main concern, it's okay. You carry on, do your work, try to help people. आपकी मुख्य चिंता जो है वो ठीक है, अच्छा है, आप अपना काम करते रहो और लोगों की मदद आप करते रहो. But your mind should be completely free and undisturbed. लेकिन आपका मन जो है वो पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए और अविचलित होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए. Yes. So the more your mind is free and undisturbed, the more beneficial you can be. तो जितना आपका मन मुक्त रहेगा और विचलित नहीं होगा, उतना ज़्यादा आप मदद कर पाओगे. No, she still doesn't like it. You're just going to have to think about it. Yeah. I'm thinking about the Bodhisattva. Because the Bodhisattva spent his whole life. But you don't listen to me, my girl. गधा बजरी वो. You're going round in circles. Yeah. तो वो बोल रहे आप एक ही बात बार बार बता रहे हो और मैंने जो बताया वो आपने नहीं सुना. आपके सवाल का तीन बार वो जवाब दे चुके हैं. आपके एक ही सवाल को आपने तीन बार रखा और तीन बार वो जवाब दे चुके हैं. फिर से वो वही बोल रहे Yeah. That's why my heart is responding. That's why I'm asking. Oh dear, your heart and your mind are separated. Right? Some problems there. Yeah, we need the mind level. We don't understand, but the heart is there. Yeah. Emotions are there. Yeah. Our emotions are there. Yeah. Mm. Now, does the Bodhisattva do activities because of emotion? तो क्या बोधिसत्व उसके भावनाओं की वजह से अपना काम करते हैं? हाँ. Is compassion an emotion? तो क्या compassion जो है, करुणा जो है, क्या वो एक भावना है? Strictly speaking, no, it's not. तो अगर सच में कहा जाए, तो नहीं, वो भावना नहीं है करुणा. It's ultimately it's not even personal. और अंतिमतः वो जो भी है करुणा, वो व्यक्तिगत भी नहीं होती. But I think I'm just going to leave you with something to puzzle over. लेकिन yeah? किसी चीज के बारे में संभ्रमित रहो आप, उसी हाल में मुझे आपको छोड़ना होगा. But don't worry, you can carry on with your bodhisattva activity. लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका जो भी बोधिसत्व का काम है वो आप करते रह सकते हैं. Don't stop. रुकिए मत. Do it more. ज्यादा कीजिए. But do it from a more profound perspective. लेकिन अधिक गंभीर परिप्रेक्ष्य के साथ, उस दृष्टिकोण के साथ उसको कीजिए. And then you'll be much more effective. और तब आप और ज्यादा परिणामकारक हो सकते हैं. So you can see that, for instance, in the myth of Avalokiteshvari, yeah? तो उदाहरण के तौर पे अवलोकितेश्वर की जो दंत कथा है, काल्पनिक कथा है, उसमें आप देख सकते हैं. All those arms reaching out into the world. तो ये सारे उसके हाथ जो है दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं मदद करने के लिए. Extensive activity. और ये पूरी उसकी विस्तारित ऐसी कृति है. But Amitabha is on his head. लेकिन अमिताभ जो है वो उनके सर के ऊपर है. Amitabha beyond space, beyond time. तो अमिताभ जो स्थान समय सबसे परे है. So if you can both function in the world effectively for the benefit of others and at the same time be free in your own mind, you'll be much more effective. तो अगर आप दुनिया में मतलब इस प्रकार से कार्य कर पाए कि सबकी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आप हर चीजों से मुक्त भी है, तो आप और ज्यादा परिणामकारक कार्य कर सकते हैं. Something to think about. Something to meditate on. तो सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ है. And in a way, I've just stumbled into a very profound discussion, yeah? और मैं यूं ही मतलब लड़खड़ाकर बहुत ही गंभीर ऐसी चर्चा में प्रवेश कर गया. And it needs to be explored a bit more carefully and thoroughly, yeah? और बहुत ही मतलब सावधानी से और परिपूर्णता से उसका विश्लेषण किया जाने की आवश्यकता है. But nothing in the Buddha Dhamma undercuts compassionate activity. लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको करुणा से भरे कर्म करने से रोकता है. In some aspects of Hindu dharma, you do get that sense that it doesn't matter. तो हिंदू धर्म के कुछ कुछ पहलुओं में आपको ये देखने को मिलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. And you get that in some misinterpretations of very high Buddhist teachings like Zen Buddhism or whatever. और बहुत ही उच्च दर्जे की जो बौद्ध शिक्षा है, जैसे जैन शिक्षा है, तो उसका कभी कभी
गलत भी मतलब समझा जाता है उनको. There's absolutely no question that the Buddha identifies his experience with compassion. और इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्ध अपने अनुभव को मतलब वही कहते हैं कि उनका अनुभव जो है करुणा का अनुभव है. And it's very clear that the Buddha, you know, after his enlightenment, engaged in compassionate activity. और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी बुद्ध जो है वो करुणा के कार्यों में मतलब करने लगे थे. अब उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था. But I think if you thought of that as coming from emotion, in the ordinary sense, it would be misunderstood. लेकिन अगर आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो भावनाओं में से उनकी करुणा उत्पन्न हुई थी और उसके वजह से वो काम उन्होंने किया तो आप पूरी तरह से उन्हें गलत समझ रहे हैं. But we'll leave it there. लेकिन हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे. And we'll wait for Shraddhavajri to split into a thousand pieces. और हम इंतजार करेंगे कि श्रद्धा वज्री के जो है वो हजारों टुकड़े हो जाए, हजारों टुकड़ों में वो. And just hope that Amitabha is there to put his head on her head. और हम उम्मीद करेंगे कि अमिताभ वहाँ पे उपस्थित रहेंगे कि वो अपना सर जो है वो उनके सर पे देंगे. That myth itself is really worth reflecting on much more fully. लेकिन वो जो काल्पनिक कथा है, दंत कथा है, वो इस लायक है कि उसके ऊपर बहुत परिपूर्ण रूप से चिंतन किया जाना चाहिए. Very profound teaching. और बहुत ही गंभीर ऐसी वो शिक्षा है. But that's enough for now. लेकिन अभी के लिए वो पर्याप्त है. Mokshshara and I, we can see the finishing tape coming closer. तो हम देख रहे हैं कि वो खत्म हो रहा है अभी. They are too. Much reached. mind you, Maitriji could just keep going forever. तो हो सकता है कि मैत्रीजी जो है वो हमेशा के लिए काम करते रह सकते हैं. But we've been talking for 2.5 months non-stop. लेकिन हम बिना रुके मतलब ढाई महीने से लगातार बात कर रहे हैं. So over to you for up until 5 o'clock, say. तो 5 बजे तक के लिए अब आपके पास है सत्र. And then some final tidying up, if there is any. और फिर आखिरी मतलब चीजों को समेटना, संवारना, अगर कुछ रह गया है तो. You could ask me some questions. Otherwise, I can ask you some questions. तो आप मुझे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा. Okay.